भाई कमजोर नहीं, बहुत तगड़ी प्लेइंग 11। आईपीएल की रिटेंशन सभी ने देखी, लेकिन आईपीएल 2025 के लिए बहुत से बड़े नाम जिनको डस्ट टीम्स ने रिलीज कर दिया। आईपीएल 2025 के लिए सभी टीम्स ने जिन प्लेयर्स को रिटेन किया, जितना बजट खर्च किया, वो तो आप सभी देख चुके हैं। लेकिन फ्रॉम लास्ट सीजन ऑफ आईपीएल 2024 से आईपीएल 2025 तक जिन प्लेयर्स को रिलीज किया गया, उनको चुन के एक प्लेइंग 11 जब बनाई गई तो एक स्ट्रॉन्ग और तगड़ी प्लेइंग 11 बनी। अगर हम बात करें इस प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे तकरीबन हर टीम से एक एक खिलाड़ी चुन के डाला गया। तो यहाँ पे हमारी प्लेइंग 11 कुछ इस तरह बनी, जिसमें ओपनिंग करते दिखाई देंगे हमें ईशान किशन, जिनको मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया। साथ केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स ने एज ए कैप्टन थे लास्ट सीजन में, इस मरतबा रिलीज कर दिया गया। श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया गया, चैंपियन कैप्टन ऑफ केकेआर। वजह समझ नहीं आई कि श्रेयस अय्यर को रिलीज क्यों किया गया, बट दे रिलीज हिम। उसके बाद ऋषभ पंत को एज विकेट कीपर, एज ए कैप्टन हम इस टीम में रख सकते हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया। 5वें नंबर पे वेंकटेश अय्यर केकेआर ने रिलीज किया है, वेंकटेश अय्यर को। इसके अलावा जो 6वें नंबर पे हमारे पास ऑलराउंडर्स की बात करें, तो रविचंद्र अश्विन राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज किया। आप इन्हें किसी भी नंबर पे खिला सकते हैं, बॉलिंग भी ये करेंगे और जबरदस्त तगड़े ऑलराउंडर के तौर पे ये टीम में शामिल होंगे। इनके अलावा वाशिंगटन सुंदर, जिनको सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज किया। शार्दुल ठाकुर को सीएसके ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज किया। और इसके अलावा हमारे पास तीन स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी शामिल हैं इस प्लेइंग 11 में, जिसमें शामिल हैं मोहम्मद शमी, जिनको गुजरात टाइटंस ने, मोहम्मद सिराज, जिनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और युजवेंद्र चहल को राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज किया है इस सीजन 2025 के लिए। और हम इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे यहां पे रखेंगे दीपक चहर को, सीएसके से इनका ताल्लुक है, जिन्हें रिलीज कर दिया गया आईपीएल 2025 के लिए। तो इस प्लेइंग 11 की हम अगर बात करें, अगर इस प्लेइंग 11 के साथ किसी भी टीम का मुकाबला पड़ जाए, तो दिस विल बी ए स्ट्रॉन्ग टीम, ये किसी भी टीम को हराने की ताकत रखती है। आप अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट बॉक्स में, कि यहाँ पे कौन सा प्लेयर होना चाहिए था, इस टीम के बारे में आपका क्या ख्याल है, और यहाँ पे कौन सी टीम है जो ऐसी जो इस टीम को हरा दे। तो लेट्स सी कि आप अपने कमेंट्स में क्या इजहार करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टी एफ स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के रिलेटेड जबरदस्त और मालूमात, बेहतरीन मालूमात मिलती रहे।